साथियों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। साथियों हाल ही में 6000 पदों के ऊपर स्कूल लेक्चरर के रूप में आरपीएससी ने अपना ऑफिशियली विज्ञापन जारी कर दिया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये भर्ती हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है। ये भर्ती कम्प्लीटली आरपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी, जो कि स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में ये पदों की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, टोटल हम जो डिस्कस है आज के इस वीडियोज़ में करेंगे। आपको बता दूं इसमें हम कम्प्लीटली कितनी यहाँ पे एज रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, साथ ही इसकी जो बेसिक सेक्शन की योग्यता है वो यहाँ पे क्या रहेगी, आपकी आयु सीमा में कितनी छूट देगी, लास्ट डेट इसमें क्या रहेगी, साथ ही इसका जो एग्जामिनेशन का स्कीम है, एग्ज़ाम्स डेट है, वो सभी चर्चा हम इस वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। तो बने रहें, पूरे वीडियोज़ को आप देखना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाल ही में प्राध्यापक यानी कि स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में 6000 पदों के ऊपर ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टोटल कैटेगरीज़ की बात करें तो इसमें आप यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 26 डिपार्टमेंट यानी कि 26 सब्जेक्ट में ये वैकेंसी निकाली गई है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें आप देख पा रहे हैं हिंदी जो लेक्चरर है उसके लिए टोटल यहाँ पे 1462 और उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में 1196 पदों के ऊपर ये वैकेंसी सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिली है। यहाँ पे कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप देखें तो इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके लिए आप देख सकते हैं 162 टोटल है और कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। हालांकि इसका जो ऑफिशियली प्रेस नोट है, ऑफिशियली जो विज्ञापन है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट आपका कॉमर्स है, फिर म्यूज़िक है, ड्राइंग है, एग्रीकल्चर है, ज्योग्राफी है, साथ ही हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, केमिस्ट्री, होम साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, उर्दू, कोच रेसलिंग, साथ ही आपका कोच खो खो, कोच हॉकी के लिए, कोच जिमनास्टिक के लिए, कोच फुटबॉल के लिए और आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही हम बात करेंगे इसके आगे जो नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास में रहने वाला है, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। आपको बता दूं आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर इसकी इक्वलेंट यूजीसी से अप्रूव्ड कोई भी सब्जेक्ट में डिग्री होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो पोस्ट एक के लिए जो आप देख पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, साथ ही यहाँ पे यूजीसी जूलॉजी इस सब्जेक्ट से आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, साथ ही उसके डिप्लोमा भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद क्रम संख्या के लिए इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सभी का देख सकते हैं, इसमें सेम यहाँ पे रहने वाली है। अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साथ यहाँ पे आप देखें तो इसमें वेतन तो आपके पास में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं L12 यानी कि स्टार्टिंग आपको पे ग्रेड जो है आपका 4800 रहने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 21 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच में आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं। यहाँ पे नियमानुसार जो भी आपकी कैटेगरी से रहेगी उसके लिए भी आपको छूट आयु में दी जाएगी। उसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पे कंसल्ट करें इस वीडियोस में तो आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया कम्प्लीटली आपका परीक्षा आधारित रहेगी। आपकी परीक्षा का पेपर इसमें आयोजित आरपीएससी के द्वारा करवाया जाएगा और उसके आधार पर ही आपका कट ऑफ आपके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग निकाल के आपको यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन दिया जाएगा। परीक्षा के महीने की बात करें तो ये आपका समय के अकॉर्डिंग आपको आरपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट से अवगत करवा दिया जाएगा। परीक्षा की योजना को लेके हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं विस्तृत जो आवेदन जो सिलेबस है इसका वो आरपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आप दिया जाएगा। आवेदन अवधि की हम बात करें तो आपको 5 मई से लेके 6 जून के बीच में 4 जून के बीच में इसमें इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। ध्यान रहे 5 मई से लेके 4 जून के बीच में आप इस एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट इसकी 4 जून 2022 रहेगी। अप्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पे बेसिकली आप SOCITs के माध्यम से जाके या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन का यूज़ करके भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स को सिंपली सबमिट कर सकते हैं। साथ ही एक्सप्लेनेशंस की सिलेबस की हम बात करें, सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले जनरल साइंस की पेपर फर्स्ट की हम बात करें, आपको 1.5 घंटा इसमें दिया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, साथ ही स्पेशल एम्फेसिस जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट से लेके वो है, मेंटल एबिलिटी यानी कि जो रीजनिंग है वो है, मैथमेटिक्स भी है, लैंग्वेज एबिलिटीज़ भी है, साथ ही करंट अफेयर, जनरल साइंस से पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान बीच में शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में एजुकेशन मैनेजमेंट है, एजुकेशन सीनेरियो जो है राजस्थान के अंदर, साथ ही राइट ऑफ चिल्ड्रंस एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन के रिगार्डिंग में जो भी है वो
आपका पेपर फर्स्ट में यहाँ पे कवर हो जाएगा। दोस्तों पेपर सेकंड इसकी बात करें, इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट्स का पेपर देना होगा जिसमें 3 घंटे का टाइम यहाँ पे आरपीसी के द्वारा दिया जाएगा। इसमें नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट आपका कंसर्न जो भी आपके पास में सब्जेक्ट रहा है उसके रिगार्डिंग में ये लिया जाएगा। स्कीम ऑफ सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो 450 नंबर का होगा। मिनिमम आपको 40 जो मार्क्स है वो आपको जो रेलिवेंट पेपर है उसमें लाने होंगे, अदरवाइज आपको यहाँ पे आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज़ के ये पेपर हैं, इसमें आप ये भी देख सकते हैं सेम आपका पोर्शन है। उसके बाद इंडिविजुअली आप लोग यहाँ पे देखना चाहिए तो देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट के लिए कंटेंट हैं तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास में हाल ही में जो आरपीसी के द्वारा स्कूल लेक्चरर के लिए जो ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है उसकी चर्चा हमने इस वीडियोज़ के माध्यम से की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गया होगा। तो ये बड़ी भर्ती राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के रूप में आरपीसी के द्वारा हाल ही में जारी कर दी गई है। टोटल इसमें 6000 पदों के ऊपर ये वैकेंसी ली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं और अपने ग्रुप्स में इसको शेयर भी करें। थैंक यू।